नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार यादव और म्यूजिक पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको थोड़ा सा स्किल के विषय में बताऊंगा कि गानों के जो स्केल है वो माउथ ऑर्गन में कैसे काम करते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल होता है कि हमने ये वाला नोटेशन यहाँ से बजाया था, ये वाला गाना उन्होंने यहाँ से बताया था, या इंटरनेट से हमने यहाँ से देखा तो ये मैच नहीं करता। तो इनफैक्ट होता क्या है कि एक ही गाने को हम कई जगह से बजा सकते हैं। डिपेंड करता है जो आवाज़ होती है हमारी, यानी कि जो सिंगर की ओरिजिनली जो आवाज़ है उसने तो उसमें गाया, या जो क्रिएशन जिसने किया है म्यूजिक को उसने उसमें एक बार कर दिया, तो बाकी लोगों का क्या काम है। हम जो क्रिएट नहीं कर सकते म्यूजिक, तो हमें क्या केवल उसकी कॉपी करनी होती है। तो कोशिश तो ये रहती है कि एग्जैक्टली हम उसी की कॉपी करें, यानी कि जिस स्केल में वो ओरिजिनली गाना बनाया गया हम उसी में गाएं या बजाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा हमेशा संभव नहीं हो पाता, इसलिए हम लोअर स्केल में भी या उससे आसपास के स्केल में हम गाया बजा सकते हैं। फिर इंस्ट्रूमेंट्स पे भी निर्भर करता है, अगर आपके पास कैशियो है, कीबोर्ड है, या बड़े वाला जो कीबोर्ड या हारमोनियम जो होता है उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी कीज होती हैं, तो हम कोई एग्जैक्टली हम मैच कर सकते हैं उस स्केल को उसके साथ। लेकिन छोटे से इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे बांसुरी है या माउथ ऑर्गन है तो उसमें वो मैच तो हो जाएगा लेकिन वो बहुत ही टिपिकल हो जाता है, यानी कि अगर हम एग्जैक्टली स्केल में बजाना चाहें तो इसमें भी बच जाएगा, कोई भी गाना बच जाएगा, लेकिन इसका यूज बहुत होगा। ठीक है, तो इसका बहुत ज्यादा यूज होने पे क्या हम इसको फिर ठीक से बजा नहीं पाएंगे। तो हम कोशिश ये करते हैं कि प्लेन बच जाए, यानी कि इसका यूज कम से कम हो। तो इसलिए वो जो चीजें हैं वो मैच नहीं करती, वो नोटेशंस जो है अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे है अपना दिल तो आवारा गाना, बहुत ही फेमस गाना माउथ ऑर्गन का, तो बहुत जगह से बजता है, तो बहुत लोग बोलते हैं अरे हमने तो यहाँ से देखा था, उन्होंने वहां से बताया था। तो होता क्या है, देखिए सिंपल सी स्केल का हारमोनिका, हारमोनिका जो है जनरली स्केल्स में दो स्केल तो इसके ऐसे ही बन जाते हैं, सी और ये, अगर हम इसको प्रेस करके बजाएं तो सी शार्प हो जाता है। और ये कुछ कंपनीज के हैं जो अलग अलग स्केल में अवेलेबल है, जैसे ए और बी में भी अवेलेबल है, लेकिन हर कंपनी में अवेलेबल नहीं है। तो आसान तरीका ये है कि हम इसी स्केल में हम बजाएं, क्योंकि अलग अलग माउथ ऑर्गन हम परचेज नहीं कर सकते, बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो देखिए है अपना दिल तो आवारा, सम म प ध म प म ग रे, ये सिंपल एक स्केल है। ठीक है, साथ से शुरू करें, सम म प ध म प म ग रे, ये हमने बजाया। अब इसी को हम अगर थोड़ा सा ऊपर चले, यानी कि सा की जगह अगर हम रे से शुरू करें इस गाने को, तो कैसे बजेगा, देखिए ये बजे। लेकिन इसमें हमें मा तीव्र यूज करना पड़ गया, हमने रे से शुरू किया, ये हमें बज गया, आवाज थोड़ी सी चेंज हो गई, थोड़ी सी अप हो गई। इसी तरह से इसको थोड़ा सा और अप जब जाके बजाएंगे तो पा पे बज जाएगा, देखिए पा से यहां भी बज गया, पा से शुरू किया हमने, ये बज गया पसा सा रे गा सा रे सा नी धा, यहाँ पे ऐसे बज गया। तो इस तरह से एक ही गाने को हमने इसमें कई जगह से, और ये केवल ये 7-8-10 तरीके से आप इसको बजा सकते हैं एक ही गाने को। उसी तरह देखिए दूसरा गाना, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो इसका जो लगभग जो स्केल जो मैच करता है ओरिजिनली जो हम गा गा से हम शुरू करते हैं, गा 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 नी धा नी प ध प सा नी, इस तरह से कुछ बता। लेकिन इसको हम और थोड़ा सा लोअर, इससे थोड़ा सा ऊपर अगर बजाएंगे गा से ऊपर, तो हम पा से शुरू कर सके, ये हमने बजाया प प प रे प प प रे सारे नी सा, नी यहाँ पे कोमल, नी सा गा रे, गा भी यहाँ पे कोमल आ गया, तो ये पूरा चेंज हो गया। दूसरा हम इसको थोड़ा सा और लोअर में बिल्कुल बजाएंगे तो वहां भी बज जाएगा, देखिए धा से शुरू करेंगे हम, जो लोअर ऑक्टेव का जो धा है, मतलब यहाँ पे धा 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 ग रे का सा रे म ग, यहाँ पे भी बज जाएगा। तो ये केवल स्केल का अंतर। इसी तरह से हम आरती बजाते हैं, आरती जो एक एकदम सिंपल जो स्केल है, जो सी स्केल पे अगर हम बजाएंगे और बिना किसी चेंजर के यूज किए हुए बजाएंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, सा 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 नी सा रे, ऐसे बजाते हैं। इस तरह से बजता है। इसको अगर हम थोड़ा सा ऊपर रे से अगर हम बजाना चाहें, तो सा की जगह हम रे से अगर स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने अब इसको रे कोमल यूज करना पड़ गया मुझे यहाँ पे, नहीं तो आवाज सही नहीं आएगी। तो दो आवाज
जो धुन है वो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन हमारी केवल आवाज का जो पिच है वो हाई और लो हो रहा है। इसी तरह इसको मा से भी बजा सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी इसको चेंजर का यूज करना पड़ेगा आगे अगर हम लाइनें बजाएंगे। तो इस तरह से डिफरेंस आता है। इसी तरह से मेरे रश्क के कमर, मेरे रश्क के कमर बहुत ही नया गाना था, और आजकल एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि गाने ओरिजिनल कौन सा, यही पता नहीं लगता, क्योंकि हर सिंगर हर म्यूजिक कंपनी जो अलग अलग तरीके से उसको मॉडिफाई करके उसमें रीमिक्सिंग करके और तीन तीन चार चार वर्जन एक ही गाने के बनते हैं, तो पता ही नहीं लगता कि क्या बजाना चाहिए हमें। तो उसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन होता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम कौन सा गाना बजाना चाह रहे हैं। जैसे मेरे रश्क के कमर ओरिजिनल कुछ हो रहा है, फिर किसी ने कुछ किस तरीके से गाया, किसी ने किसी तरीके से गाया, तो हमें हमारी कोशिश क्या होती है कि उससे मैच करें जिसको हम बजाना चाह रहे हैं। अगर हम अता अली खान ने अगर जो गाया, अगर हम उससे मैच करना चाह रहे हैं तो वो उससे मैच करना चाहिए। अगर हम जो किसी और सिंगर ने गाया उसका हो सकता है स्केल अलग हो, थोड़ा सा चेंज जरूर मिलेगा, तो हमें उससे मैच करना। देखिए सा नी धा 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 नी रे नी पा पा मा पा मा, यहाँ पे तीव्र है, तो ये इसका एक सिंपल स्केल जो सी स्केल पे हम अगर बजाएंगे मेरे रश्के कमर। देखिए अपर सा से शुरू करेंगे, फिर से देखिए ये हमने बजा दिया सा नी धा 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 नी रे नी पा पा मा पा मा तीव्र। और अगर इसी को हम थोड़ा सा नीचे करके बजाएंगे तो माँ से बजेगा माँ गा रे 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 रे। देखिए देखिए कैसे बज रहा है माँ गा रे 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 गा पा गा सा सा, इस तरह से बज। सा सा नी सा, यहाँ पे नी लोअर ऑक्टेव का लग गया। और इसी तरह बीच से अगर कहीं से बजाएंगे पा से हम शुरू कर सकते हैं। देखिए ये जगह पा मा मा गा 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 मा धमा रे रे रे, यहाँ पे एक रे कोमल आ जाएगा। यहाँ पे रे 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 चार बार आएगा, लेकिन एक जो सेकंड लास्ट रे है वो कोमल रह जाएगा। तो ये जस्ट मैंने एक बताने की कोशिश की कि किस तरह से जो है ये अलग अलग नोटेशंस हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे एक और गाना अच्छा चलता हूँ, बहुत ही फेमस गाना था चन्ना मेरेया, तो उसको जो सिंपल जो स्केल है उसका एक्चुअली सा से स्टार्ट करके हम बजाएंगे तो मैच करता है। फिर डिपेंड करता है कि हमारे पास म्यूजिक कौन सा है, क्योंकि म्यूजिक जो कराओके मिलते हैं जरूरी नहीं कि आपको उसी स्केल में ओरिजिनल स्केल में मिल जाए, कभी ऊपर या नीचे भी होता है, तो हमें तो उसी से मैच करना है। तो अगर हम बिना म्यूजिक के बजा रहे हैं तो किसी भी स्केल पे बजा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हमारे पास म्यूजिक है तो वो उससे मैच होना चाहिए। तो भले ही आपके नोटेशंस कहीं भी बदलने पड़े आपको, लेकिन गाना सेम बजना चाहिए। तो देखिए चन्ना मेरे आप, ये सारे गा गा गा, ठीक है सारे गाने धा 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 धा, इस तरह से कुछ है। और इसको अगर हम पास से बजाएंगे तो पास से भी बज जाएगा पा धा नी नी नी, लेकिन इसमें मा तीव्र का यूज हो गया। तो नोटेशंस चेंज हो गए, लेकिन गाने का जो ओरिजिनल जो धुन है वो चेंज नहीं हुई, केवल उसका जो पिच जो हाई और लो वो केवल चेंज हुआ। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे हमारे नोटेशंस डिफरेंट हो जाते हैं। एक ही सॉन्ग के चार पांच छह सात नोटेशंस हो सकते हैं, वो डिपेंड इंस्ट्रूमेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि किस इंस्ट्रूमेंट्स पे कौन सा ज्यादा अच्छा बज सकता है या इजीनेस किस में है। जैसे बांसुरी में ज्यादा हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते तो उसमें अलग अलग स्केल की बांसुरी जाती है, लेकिन माउथ ऑर्गन जो अलग अलग स्केल के आते नहीं है तो हमें इसी में एडजस्ट करना है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन से को बजा पा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है कभी कभी अगर ओरिजिनल स्केल से मैच करने जा रहे हैं और सी हमारे पास केवल सी स्केल का हारमोनिका, तो इससे जब हम मैच करेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको बार 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 प्रेस करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है। इस पर मैं एक और डिटेल वीडियो की स्केल्स कैसे बनते हैं और किस तरीके से हम इसको नोटेशंस को चेंज कर सकते हैं, सेम गाने की धुन रहेगी लेकिन नोटेशन चेंज हो जाएंगे, उस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा और आपके पास लेके आता हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें, कमेंट करें अगर अच्छी लगते हैं, या जैसा भी आपको लगता है कमेंट करें सो दैट आई कैन इम्प्रूव। धन्यवाद।